मैं तो कहना घर के आज मैं गुड़क जाऊं तो पाछे उठ जाऊं। बड़े बड़े पीराने जा मारे, मजबूत कुर्सी लाओ और आप लोग भी थोड़ा मजबूत रहो। ये अनाउंसर वगैरह मौलाना लोग केवे के थे बोलो, जब नहीं अपन अपने आप ही दिल से बोलो, कुर्सी लाओ धोड़ी धक हट रखो थे, हाड त्यार रखो, पीर साहब आते ही बैठ जाओ। आप लोग माशाल्लाह ताला जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनको फटाफट पानी पिलाओ और बिठाओ यहाँ। आप लोग जो अभी पीर साहब आएंगे ना तो सब लोग भागेंगे, तो अभी बीच में जगह है तो आप थोड़े थोड़े आगे से लग जाओ। आप किसी मोमिन भाई को अपने जगह देंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। तो आप थोड़े थोड़े आगे आ जाओ और माशाल्लाह ताला अपने बीच में जो जगह है वो पुर करो आप माशाल्लाह। ये कूलर का मुंडा है ना थोड़ा उलमा इकराम की तरफ रखे, माइक के सामने रखोगे तो इसमें बड़बड़ाहट बोले, ये कैमरा बार गए मगे गड़बड़ हुए। आप हजरात बस कूलर का मुंह उधर रखे उलमा इकराम की तरफ अटे तो मुकर्रर तब भी जना बोली, ये वास्ते ठंडो नहीं करना आपने। आप लोग भी तपिए और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो हजरात पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये बच्चे वगैरह जब इस मजलिस में बैठ गए हैं तो तवज्जो इधर ही रहें, यूँ नहीं कोई बन बाका फाड़े कोई बन मुंडा फाड़े, ऐसे नहीं। अपन मौलूद में बैठे हैं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफिल है, सुभान अल्लाह। आप लोग जो पीछे बैठे हैं दूर दूर ठाड़ा पड़ा देखो, सरकार के साहबा जब बैठते थे मजलिस नबी में तो मालूम है किस तरह, इतना बेड़ा बेड़ा बैठता, करीब करीब बैठता कि कोई ऊपर को रायड़े को दाणो नागतो ना तो ज़मीन पर नहीं पड़तो, किरी किरी माथे ही पड़तो, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात भी नेड़े नेड़े करीब करीब बैठे, आप इतना दूर दूर बैठा पीछे भले भैंसा बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप हजरात को जितनी देर में हम आपको ये कहेंगे करीब आओ नेड़ा आओ बैठो, जब तक दो बात आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, आप उसमें टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई भी आलिम आएगा आपको कहे करीब आओ, ये ऐलान करने वाले मौलाना साहब खड़े होंगे ये भी कहेंगे करीब आओ, मैं तो कहूँ जटे जगह बैठ जाए मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और पक्का रहो। दूर से भी रहो तो ऐसे लगना चाहिए आप करीब में हैं और ज़ोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे आका एक मरतबा बयान फरमा रहे हैं तो भीड़ भाड़ हो रही थी, क्योंकि बयान होता है तो मजमा होता है, तो माशाल्लाह चलते चलते ही कोई आ गया माथे पर भारी बांधे ओड़ी लकड़ियाँ की, वो कोई बारू आयो खेता मुँह जितने में जो है वो भी खड़ा हो गया। भीड़ भाड़ हो रही थी तो सरकार ने फरमाया जिसको जहाँ जगह मिले हैं बैठ जाओ, तो सगड़ा बैठिया सारे ही सारा लोग उबा जी का बैठ गया, वो जो भारी बांधिया माथे पर लिया हूँ वो ही बैठ गया, और वो हेजू वो भारी लकड़ियाँ की लिया लिया ही बैठ गए। तो कोई क्यों अरे इन्हें तो नीचे धर दे के, नहीं हुजूर कियो जो जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाओ। तो आज आप के वहाँ के थे बैठ जाओ, जन कोई तो बटी नहीं जाए, कोई के पानी पी रहा हूँ, कोई के पेशाब कर रहा हूँ, अरे जिसको जहाँ जगह मिल जाए आप बैठ जाओ। दी टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना, एक एक सेकेंड बड़ा कीमती है, इसलिए आप हजरात बस बैठ जाएं। जो लोग बाहर घूम रहे माचा ढालोड़ा जैसे कोई बारात में आया बैठा खेजड़िया के नीचे, पक जाए जना हल जावा, अरे पहली पको तो सरी, आज यहाँ पकोगे कल इंशाल्लाह कब्र के अंदर मिट्टी हमें गला नहीं सकती सड़ा नहीं सकती, इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए। और माशाल्लाह तबारक बताला सईद साहब पीर साहब की मोहब्बत में आए हैं ना, तो माशाल्लाह तबारक व ताला आप अपना यकीन रखिए कि हमारा पीर हमें देख रहा है, हमारे गौस हमें देख रहे हैं, हमारे आका हमें देख रहे हैं। बोलो यकीन एक नहीं, हमारा नबी माने देखे आपारो अकीद है कि हमारा नबी हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। नबी कोई मदीने में थोड़ी रेवे, मोमिनों के सीने में रेवे, जोर से बोलिए। ये तो कुरान का फैसला है ना। ये बाद लोग कहते हैं जो वहाबी और जो गैर मुकल्लिद वगैरह जो जिनका ईमान नहीं है वो कहते हैं कि मोमिन से जो है नबी दूर है। अरे तुझे पता ही नहीं है, कुरान तो फरमाया रहा है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज़्यादा करीब है, दूर थोड़ी है। तो आज हमें इतना यकीन है कि हमारे नबी हमारे पास में है मौजूद है, तो हुजूर की महफिल में सावड़ सावड़ बैठो कावड़ कावड़ मत बैठो,
क्योंकि आपने नबी आपने देखे। आला हज़रत ने लिखा है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहां हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई तकरीर लंबी चौड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं आपके सामने बस अपनी हाजिरी लिखाने। बाकी मोटा मोटा पीर साहब, बड़े बड़े पीर साहब, सादाते किराम, हमारे उस्ताद मौला कासिम साहब और भी हमारे दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, बस आप इनकी ज्यारत करें, इनको देखें। बहुत सी यान की चीज़ा हैं, यान की प्यारी चीज़ा हैं, जिनको देखना ही सवाब है। माँ बाप को देखो तो सवाब, ज़ोर से बोलिए। काबे शरीफ को देखो तो सवाब, गुम्बद खदरा को देखो तो सवाब, पीर व मुर्शिद की कब्र अनवर को देखो तो सवाब। कितना बड़ा सवाब, देखे तो ही सवाब है सुभान अल्लाह। बल्कि माँ बाप का चेहरा तो अगर मोहब्बत भरी निगाह से एक मरतबा देखो, एक मकबूल हज का सवाब है। वो हज जिको सवाब पीरों मिले, जिको हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ, बताइए आप हज़रत कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें आंखें दिए ना, इनकी कदर करो। जी केरी आंखिया नहीं है ना, अभी ने पूछो आंखियारी कहीं कदर है। आज तो लोग कहते अल्लाह माने कहीं दियो, ये दो दो आंखियां दिए नहीं, कहीं कौन दियो तने। अल्लाह ने सब कुछ अदा कर दिया, बल्कि रब ने फरमाया तुम शुक्र करोगे तो हम आज ज्यादा अता करेंगे। सुभान अल्लाह। अभी तो आंखें ही मिली है, पीर और मुर्शिद का करम हो गया तो माशाल्लाह तबारक बताला ऐसी रोशनी मिल जाएगी। साहिब सज्जादा तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम, साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताहिर मिल्लत, नारे तकबीर, खानदान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह। पीरान इज़ाम, सादात किराम, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, आप हज़रात तशरीफ़ रखें। और माशाअल्लाह तबारक व ताला आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मजलिस में बैठे हैं, इसका अदब भी ज़रूरी है और ये रास्ता छोड़ना भी ज़रूरी है। ये रास्ता, ये जो अलग से बिछाई है नहीं, लाल लाल, इन्हें छोड़ दियो, हरी हरी पे बैठो। माशाअल्लाह ताला थोड़ा इधर जाओ, आप भी रास्ते में मत बैठो, कोई ठोकरा ला गई फंस के ठोकर ठोक दो। आप रास्ते में ना बैठे, बल्कि माशाल्लाह ताला रास्ता रखिए। एक मरतबा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात, ये पीरान इज़ाम सादात किराम का फैज़ान है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि आज गांव में और ऐसी जगह पे जंगलों में आका की महफिल सजी हुई। सुभान अल्लाह। वरना अपन लोग कुछ नहीं जानते थे, ये तो पीरान इज़ाम का करम है, गरीब नवाज का करम है, मुफ्ती आज़म राजस्थान का फैज़ान है कि आज गांव गांव मदरसे कायम हुए, ढाणी ढाणी मदरसे कायम हुए, उलमाए किराम मिले और सादात किराम की दुआ हुई। तो माशाल्लाह ताला आज दौरों में रहने वाले बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, और गीत गाने वाले, मोरूबाई गाने वाले नबी की नाते पढ़ने लग गए। वरना लोग दरूद फातिहा भी नहीं जानते थे। शुभ रात आवती ना शबे बरात, जना शीरो पका होता और शीरो पका दरवाज़ा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बडेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले, बुढ़ा बडेरा तो कहीं जीमता, कीड़िया मकोड़ा जीम लेते थे। दरूद फातिहा भी नहीं जानते। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह तबारक बताला आज गाँव गाँव, ढाणी ढाणी मदरसे कायम हुए, आलिम बन रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उलमा की कदर करें। आलिमों से जो खुन्नस रखेगा आलिम दीन से, वो बेईमान होके मरेगा। हमेशा आलिमों से मोहब्बत कीजिए, सादात किराम से मोहब्बत कीजिए, अपने मोमिन भाई से मोहब्बत कीजिए। आज एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से हसद, भाई भाई दुश्मन, अड़ा नमाज़ा थारी कहीं काम आई।
हसद राखो दूसरों तो ये हसद तुम्हारी नेकियां ऐसे खा जाए जैसे आग लकड़ी को खा जाए। अपने मोमिन भाई से मोहब्बत कीजिए। और माशाल्लाह तबारक व ताला हमारे नबी ने तो ऐसी प्यारी तालीम दी सुभान अल्लाह कि देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। जोर से बोलो, पूरा लोग बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? अरे एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकियां मिलेगी। जोर से बोलो माशाल्लाह ताला। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बता दो कि हम सब बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। आज लोग आला हजरत ने जाने ही को नहीं कि आला हजरत कौन। अरे सुनो समझो, आला हजरत वो हैं। आज तो लोग फर्जी गोरा चिट्टा हो गया तो सैयद होने का ऐलान कर दिया कि मैं सैयद साहब हूं। गोरा होने से कोई सैयद हो गए हैं? अरे खुदा के बंदो, आला हजरत ने मैं तमीज दी बताया। अरे सैयद नहीं, अपना हसब नसब बदलो मती थे नहीं हो सैयद तो भी आना गुलाम बन जाओ। आला हजरत सैयद जो है पठान थे, सैयद नहीं बनिया। आला हजरत सैयदों का गुलाम बनिया। जोर से बोलो। जब गुलाम बने तो कहते हैं उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। ऐसे सच्चे गुलाम बने, आशिक रसूल बने कि उनके नाम की आज भारत में रेलगाड़ियां चल रही। आला हजरत एक्सप्रेस। जोर से बोलिए। भुज से बरेली, बरेली से भुज आला हजरत एक्सप्रेस चल रहे। जिको आला हजरत चिड़े वो आला हजरत को एक्सप्रेस के ऊपर आला हजरत एक्सप्रेस का टिकट लेके चढ़े, बताइए आप। तो आला हजरत ने हमें सिखा दिया, इसीलिए आज सारी दुनिया कहते हैं कि चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी। जोर से बोलिए। चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। जोर से बोलिए। अब आप हजरात देखें कि आला हजरत सरकार ने हमें क्या बताया, इन सैयदों के नबी के शहजादों के गुलाम बन जाओ। इनके जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम बन गए तो अपन तो कामयाब है। और आला हजरत ने एक शेर भी लिखा, शेर इतना प्यारा है सुनो आप कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जोर से बोलिए। अहले सुन्नत का है क्यों बेड़ा पार है भाई? कहीं आनबो कर लियो अहले सुन्नत के बेड़ा पार हो गया? क्या नमाजा घनी पढ़ ली, रोजा घना रख लिया, हज घना कर लिया, या मस्जिदा घनी बना दी? नहीं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। देखो मैं बताऊं, एक वे सितारा तारा जंगल में रे उनाला काई करे, ऊंट पर चाले। आज तो मोबाइल हो गया, जीपीएस से रास्ता ढूंढ ले। रात रात पहली लोग भटक जाता तो कहीं देखता तारो, कुतुब तारो दिखता हो और कहता अंपारो घर अगुणो है गांथुणो है अठीने चलो। बेड़ा पार होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो समत का मालूम होना किधर जाना है, और एक दरिया के अंदर आप चल रहे हो तो कश्ती भी चाहिए। कश्ती में बैठो तो बेड़ा पार हो। तो नबी के जितने भी सहाबा हैं सब सितारों की मानिंद, सितारों की मानिंद। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की आल औलाद कश्ती नूह की तरह है, जो कश्ती में सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन सवार अच्छी तरह हो, यूं नहीं कि एक पीर साहब रो मुरीद बन गए तो दूसरे पीर साहब रे छेड़खानियां करे। अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे पीर को छेड़े मत। जोर से बोलो। ऐसा मुरीद बनो, आपने पीर ने मजबूती पकड़ो। इंशाअल्लाह तबारक बताला आला हजरत ने कितना प्यारा शेर लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
ये नबी की आल औलाद है ना, कश्ती नूह की तरह है। इनका दामन मजबूती से थामो, नबी के सहाबाए किराम के तरीके पे चलो, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिल नबी की मोहब्बत से भर जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, के नूर नबी जिर चमक बीजल, नूर नबी जिर चमक बीजल, प्रेम रा बादल छायो रे। के दीन रा डंका बाजन लाया, दीन रा डंका बाजन लाया, सुन सुन दुश्मन भागन ला जा रे। दीन रा डंका बाजन लाया, सुन सुन दुश्मन भागन लाया। आठोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आठोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। आज आप लुगाया ने केवा के तुम पर्दे में रहो तो के माने अमूजनी आवे। आज याने अमूजनी आवने लागे, लेकिन आपारा नबी जब तक नहीं आया औरतों की कोई इज्जत तो वक्त नहीं थी। नबी तशरीफ लाए तो औरतों के रुतबे बुलंद हो गए। कि देशरी नारियां कूक की रही थी, वो भी फसलां सोक की रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। जोर से बोलिए, हमारे नबी का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम लेवेला भी रो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनर बगियर कुण है माली, कांधे रखी है कमड़िया काली, नाम मोहम्मद शेद समीठो, नाम मोहम्मद शेद समीठो, ओ मारे मन भायो रे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लब पे आता है जब नाम जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। नबी का नाम लेते रहोगे तो माशाल्लाह मुंह में शहद घुलता चला जाएगा। लेकिन आज हालात इतने खतरनाक हैं कि आज हम पढ़ते नहीं, नमाज नहीं पढ़े नमाज। कहीं कहे इश्क मोहब्बत, रात रा बेटा मौलूद में नारा लगावे इश्क मोहब्बत। आला हजरत ताजो शरिया हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, और फजर छोड़ बैठ जाओ। जोर छोड़े फजर पर छोड़े, अरे दामन पकड़िया तो मजबूती से थामिए। गौसे आजम सरकार तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शान कितनी बुलंदो बाला है, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। और हमारे इमाम इमाम आजम सुभान अल्लाह रजी अल्लाह तआला 45 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। फजर में सुता पड़िया है, पचे के पीर साहब ताबीज दे दो मारे बरकत को नहीं। अरे थारे में हरकत ही को नहीं तो बरकत कटू हुई। सुबह सवानी चिड़िया कमेड़िया उठ जावे, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, ए सुता ही रहे। फिर कहते हैं बरकत नहीं होगी, बरकत ऐसे नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं अल्लाह का दियोड़ा घणी है मौली साहब, सुकून नहीं है। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में नहीं बिकता है। अगर सुकून चाहिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मैं भी जोधपुर के कब्रिस्तान का इमाम हूँ, मुझे पता है आज 25-27 साल हो गए। मोटा मोटा बटे गई हैं दफनावा ना कब्र में, मोटा मोटा पहलवान तो मांगे गई हैं। पुरानी कब्रिस्तान है, बड़े जागा थोड़ी है, वास्ते नवो आवे ना मुर्दो जना पुरानी कब्र खुलिया करे। कदई कदई मैं कब्र खोला जना भी महीने बाटे पर नाम लिखोड़ो रेवे कहीं फला पहलवान साहब, मैंने आड़िया भी कौन मिले। अरे ये तो पहलवान था, इसकी हड्डियां भी कहां गई पता ही नहीं चला। और बाज बाज ऐसे मुर्दे जिसकी कब्र 50 साल के बाद खुलती है, कफन भी मेला नहीं होता। जोर से बोलिए, चलो लोग कह रहे ये कफन भी मेलो को नहीं हो, कहीं बात है पक्को गणो। अरे कहा ये गुलाम मोहम्मद है, और नमाजा पढ़ दो सलामा पढ़ दो दरूदा पढ़ दो, और ये मस्जिद का कबूतर था। जोर से बोलिए, ऐसा पक्का था। तभी कहते
हैं जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। पहलवानी कर कर एक्सरसाइज कर बोडिया मनोण की मकोड़ा खा जाए। लोगों ने बड़े बड़े किले बनाए, महल बनाए, देख लो आप जोधपुर का मेहरानगढ़ जो मेहरान भाखरी पे बना, जालौर का किला देखो आप, जैसलमेर का सोनारगढ़ देखो, रणथंबोर देखो, किला चित्तौड़ देखो, लाल किला पीला किला नहीं मिला, लेकिन मरिया बचे कहीं हुई। मौत तुमको आ लेगी। आज लोग कहेंगे मैं फॉर्चुनर ले लो, एक्सीडेंट हुए तो मरे कौन, गुब्बारा निकले बेलून लिखे, मौत आवे ना गुब्बारा खुले भी कौन। याद रखिए सुनिए, बंद गुंबद में भी छुप जाओगे मौत तो तुम्हें आ लेगी। इसलिए मौत से बचने की कोशिश मत करो, जहन्नम से बचने की कोशिश करो। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, मौत आए तो मदीने में आए, मदफन मिले तो जन्नतुल बकी में मिले, या पीर और मुर्शिद के कदमों में मिले। जोर से बोल। इसलिए सुन लीजिए, बड़े बड़े किले बनाने वालों और महल बनाने वालों का पता ही नहीं चला, बड़े बड़े पहलवानों की हड्डियां गड़ गई, लेकिन नबी के गुलामों का कफन भी मेला नहीं होता है। इसलिए सुन लो, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। इसलिए गरीब नवाज सरकार का देखो, आज उन्होंने किला तो नहीं बनाया, नबी की सुन्नतों पे पाबंदी से अमल किया, दीन की खिदमत की, तो रब ने वादा फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करवाएगा। इसलिए अल्लामा नज़मी साहब ने लिखा है, आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, मेला हो न पाएगा, मेला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। आज इस मजलिस में आए हैं ना, यहां से उठो तो सब नमाजी बन के उठो, और नमाज पढ़ा नहीं बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो, होड़े होड़े बैठे होड़े बोले कांडा एक नमाज ही छूट जावा, पांचों टाइम पाबंदी से नमाजा पढ़ो, मुंडो गोरो हो जाए, जोर से बोलिए हाँ। और पीर साहब की खिदमत में हाजिरी दीजिए, और माशाल्लाह तबारक व तआला यहाँ खानका बनानी है ना, अरे बोलो, अरे दरगाह बनानी पीर साहब की तो किया बनी दुआ रिपियो कहूं बड़े बोलो हाँ, रिपिया लाओ, रिपिया पैसा लाओ, खाली यू नहीं, हाँ पीर साहब बहुत बढ़िया, तू भी तो बढ़िया बन। आप लोग मैं बताऊं, अभी तो मैं चंदा करने के लिए नहीं इकट्ठा बैठा हूँ, पीर साहब और बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा सादात किराम, हम तो चंदा करने की मशीन है, जब कहोगे तब खानका बनवा देंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में माने के वे ये सूजा शरीफ में कहीं आखी को नहीं है, झोंपड़ो एक झोंपड़ो, पीर साहब ऐलान करियो, अबू बकर साहब ऐलान करियो के दौरे अल्लाह के नाम, तो एक आदमी खड़ो और ऊंट दियो, कहीं दियो ऊंट दियो, जो आज बड़े इतना मोटा मदरसा बन गया दारुलूम, जोर से बोलिए। अया अभी आज जोधपुर से मैं पेट्रोल भरा रहा था, मैं माने दे क्या नहीं धोला धोला टोपिया लगेड़ा जनगा सीध जाओ, मैं क्यों बाढ़ में वो गैर मुस्लिम होके की भी कहता है सूजा शरीफ जाओगे, मैं क्यों इन्हें भी कौन बता दिया बताए, आप देखिए सुभान अल्लाह ये मकबूलियत है, जोर से बोलिए। तो इसलिए आप हजरात ऐसा इस दरगाह और खानका का काम ऐसा करें, या माशाल्लाह तबारक व तआला खानका बनाएं, जायरीन के लिए माशाल्लाह गेस्ट हाउस बनाएं, जो आए आराम से रहे, और माशाल्लाह तबारक व तआला पीर और मुर्शिद के दरबार में थोड़ी देर बैठे, और एक मदरसा कायम करो ताकि हमेशा 24 घंटे कुरान खानी होती रहे। जने वेला या नहीं कटे आ बड़ा देखा, और यहाँ मुंडो पूछ गया, एक सालू जवा बाप जी, एक सालू जवा बाप जी, एक सालू काम कौन चाले, रोज का ऐसा काम करके जाओ अल्हम्दुलिल्लाह के मदरसा कायम कर दो, खानका के अल्हम्दुलिल्लाह अंदर मदरसा जब कायम हो जाएगा 24 घंटे अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में कुरान खानी होती रहेगी, खुदा की रहमत बरसती रहेगी। सुभान अल्लाह, आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, यही है आरजू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।
माशाल्लाह हमारे सादात किराम तशरीफ फरमा है, थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को देना ज़रूरी है कि हर एक की हाजिरी माशाल्लाह ताला यहाँ इतनी दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं तो आपके नेड़े ही रहूँ, हेलो पाड़ो तो आ जाऊँ, लेकिन माशाल्लाह दूर दूर से तशरीफ लाए सादात किराम, इनकी ज्यारत करें, इनके प्यारे बयान सुनें और अमल करें। माशाल्लाह ताला जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर हाजिरी देंगे, जो कुछ गले में पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला देंगे, दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला आपका पैसा कबूल फरमाए। और माशाल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत है पीर और मुर्शिद दे नमाजी पाबंदी बढ़ जाए, सुबह नमाजी ऐसे बढ़ो, पाबंदी से नमाजें पढ़ो कि आखिरी सांस तक कोई नमाज पढ़ा ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।